हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं घूमते घूमते इधर दिल्ली एयर सिटी में पहुंच गया। सो ये मेरा एयर सिटी में सेकेंड टाइम है। अभी पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम में इतना मेरा आइडिया भी नहीं था और इस टाइम में मैं शूट करने का मौका भी नहीं मिला। सो आज मैं ऐसे घूमने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए एयर सिटी आ रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसा इंडिया में नहीं हूँ, मैं कोई बाहर का यूरोप कंट्री में जैसा फील हो रहा है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है एयर सिटी। देखिए कोई यूरोप कंट्री से, कोई बाहर का कंट्री से अच्छा अच्छा है क्या? नहीं है इसके अंदर, बताइए आप। बहुत सारा होटल, बिल्कुल ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही में सटा हुआ है और होटल भी बहुत सारी अच्छी अच्छी होटल है। और जैसा रहने के लिए भी हम लोग इधर आ सकता है, लेकिन अभी तो मेरा पूरा पैसा नहीं इधर रहने के लिए। लेकिन मैं कुछ दिन ऐसा रिलैक्स फील करने के लिए और थोड़ा मज़ा लेने के लिए भी मैं इधर आके बैठने का मन हो रहा है मेरा। देखिए इसके अंदर भी बहुत सारी सारी बहुत अच्छी अच्छी होटल है। देखिए इसके अंदर स्टारबक्स भी है। अभी मे भी अभी टाइम होगा तो मैं अभी वापस आने के टाइम में इसके अंदर आके कॉफ़ी पी सकता हूँ। ड्रीम नेबर डाई बोलता है, इसलिए मेरे को है ना इन फ्यूचर मेरे को इसके अंदर एक सुंदर सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ। ड्रीम नेबर डाई खोल के दिखाऊंगा इन फ्यूचर। देखिए इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक टैक्सी में अभी चार्ज हो रहा है। ये जो एयर सिटी के अंदर ये चार्जेबल है, फ्री है, चार्जेबल है। ओके थैंक यू। देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी से एक फ़ायदा हो सकता है कि इससे इसके वजह से पोल्यूशन नहीं फैल सकता है। तो इन फ्यूचर मेरे को लगता है कि अभी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़बरदस्त हिट होने वाला है। जो एयर सिटी के अंदर ब्रांड वाइज भी है, सब मिनीसो, पंजाब ग्रिल और ये सोशल, सब बहुत सारी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट, अच्छी अच्छी ब्रांड, सब फैसिलिटी है। अच्छी अच्छी होटल, यूरोप को भूल जाता है। मैं दिल्ली का एयर सिटी के अंदर हूँ और ये दिल्ली गुड़गांव इतना स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी बन चुका है। अभी सिटी भी स्मार्ट है और सबका हाथ में अभी स्मार्टफोन है। अभी लोग भी अपने आप को स्मार्ट समझता है। बाकी एक चीज़ है, सोच भी स्मार्ट हमेशा रहना चाहिए। अगर आपका सोच स्मार्ट है तो आपका सिटी, आपका फोन सब स्मार्ट हो जाएगा, याद रखना। स्टील पॉइंट पे जाइए, चाय चाय उसका चाय मेरा चाय है और काला चना की चाय है। बाकी थोड़ा गर्मी वजह से मुझे चाय खाने का अगर आप लोग अच्छी अच्छी होटल, फाइव स्टार होटल में रहने चाहते हो तो बहुत सारी सारी ऑप्शन है इधर फाइव स्टार होटल्स की। फर्जी कैफे और रेस्टोरेंट भी बहुत फेमस, बहुत अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है। देखिए जैसा आप कोई यूरोप कंट्री में जा रहा है ऐसा मेरे को फील हो रहा है, पता है। इतना अच्छा लोकेशन, इतना अच्छा वाइब्स, इतना अच्छा रेस्टोरेंट, इतना अच्छा होटल। ओ माय गॉड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इंडिया के अंदर नहीं हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि इधर से निकलने का मन नहीं लग रहा मेरे को एयर सिटी से। ये कितना अच्छा से बनाया, देखिए
देखिए ये एरो सिटी के अंडरग्राउंड है, लेकिन अंडरग्राउंड में फूड कोर्ट इतना अच्छा अच्छा है, देखिए इतना अच्छा नज़ारा, इतना अच्छा रेस्टोरेंट लोकेशन, इतना अच्छा लोग, इतना अच्छा सब चीज़ अच्छा। इधर से निकलने का मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। अभी मैं इधर से ऊपर स्टारबक्स जा रहा हूँ। इतना अच्छा देखिए, फाइनली अभी मैं स्टारबक्स के पास आ चुका हूँ। अभी कुछ ठंडी, कुछ दिल को ठंडा करने के लिए कुछ खाने के बाद निकलेंगे इधर से। ऑलमोस्ट शाम भी हो चुका है, अभी मैं निकलने का टाइम हो गया। अभी मैं घर जा रहा हूँ इधर से निकल के स्लोली स्लोली। इन्होंने मेरा कुछ भाव नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। देखो सो गया, मैंने बुलाया वो सो गया। देखो अरे यार उड़ जाओ यार, बाय। अभी मेरा घर जाने का टाइम हो गया। देखिए भाई लोग काम करके ऐसे निकल रहा है एयरोसिटी से। फाइनली अभी मैं एयरोसिटी से निकल रहा हूँ और आज का ब्लॉग मैं इधर ही यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को जैसा भी लगेगा कमेंट में बता देना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू।